असलकम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कन्वेंशनल अप्रोचेस के बारे में बात की हमने पॉलिसी और बिजनेस डिज़ाइन को डिस्कस किया हमने उसके अलावा प्रोजेक्ट और स्केलिंग अप के बारे में बात की इस सेशन में हम कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस का जिक्र करेंगे जैसे कि डिज़ाइन अप्रोच सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में डिज़ाइन अप्रोच का ओरिजिन जो है वो विक्टर पपनक को जाता है ये एक अमेरिकन डिज़ाइनर थे नाइनटीन सेवेंटीज़ में विक्टर पपनिक जो हैं उन्होंने एक नया आइडिया डिज़ाइनिंग में जो है वो लॉन्च किया जिसको आप सोशली एंड एकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनिंग फॉर प्रोडक्ट्स कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विसेज कह सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सर्व करें अपने सर्च करें कंप्यूटर पे इस वक्त बैठे हुए 1970s के फैशन को डिज़ाइंस को तो आपको थोड़ा सा वो अनरियल या जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है उस तरह से नहीं लगेगा वो एक ऐसा ज़माना था जिसमें थोड़ा मेड अप शो ऑफ और गॉडी किस्म के फैशंस जो हैं और डिज़ाइंस हर जगह पे वो यूज़ में थे ऐसे में पापनिक ने जब कहा के डिज़ाइनिंग को रियल लाइफ के लिए होना चाहिए और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं है वो सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी हमारी लाइफ जो है उसमें सारी चीज़ें जो है सारी प्रोडक्ट्स सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी सर्विसेज उन्हें सोशली और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबली डिज़ाइन किया जाना चाहिए पपन का जो काम था नाइनटीन में जो पब्लिश हुआ वो आज चालीस साल बाद भी रेलिवेंट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में पबनिक का यह जो आइडिया था इकोलॉजिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनिंग ये रिसेंटली ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुआ है इसमें मुख्तफ किस्म के आइडियाज़ जो हैं और मुख्तलि वर्जनस हैं डिज़ाइन अप्रोच के जो इस्तेमाल होते हैं मसला इसमें डिज़ाइन थिंकिंग है जिसमें इंस्पिरेशन आइडिया और फिर इम्प्लीमेंटेशन को एक डिज़ाइन के तौर पर हैंडल किया जाता है के सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं एक सोशल प्रॉब्लम को पिकअप करते हैं उसको चूज़ करते हैं अपना मिशन बनाते हैं एक इनोवेटिव आइडिया लॉन्च करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक वेंचर या एंटरप्राइज जो है उसको डिवेलप करते हैं इसी तरह स्ट्रेटजिक डिज़ाइंस हैं इसी तरह सर्विस डिज़ाइंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की मुख्तफ स्टेजेस पे मुख्तफ़ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली डिज़ाइनर्स जो हैं वो इंसानी रवैयों को इंसानी ज़िंदगी को चेंज करते हैं वो एक नई चीज़ एक नई प्रोडक्ट एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी ज़िंदगियों को ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेहतर बनाते हैं यही आइडिया जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो डिज़ाइन अप्रोच है उसको आप ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कह सकते हैं क्योंकि डिज़ाइनर्स जो हैं उनको एक डिज़ाइन बनाने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप का डिज़ाइन बनाने से पहले सॉल्यूशन का या प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको समझने की ज़रूरत होती है और जिन लोगों को वो अफेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम और जिस तरह उनकी ज़िंदगियों को अफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइनर अपने स्टूडियो या लैब में या कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइनिंग नहीं करते बल्कि वो लोगों के दरम्यान उनको ऑब्जर्व करते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है डिज़ाइनर्स ह्यूमन सफरिंग उस प्रॉब्लम और उनका जो इंसानों का एक्सपीरियंस है उस प्रॉब्लम का उसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उसको अपने डिज़ाइन अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोटोटाइप में इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसको वो टेस्ट करते हैं उन्हीं लोगों के साथ रीटेस्ट करते हैं और फिर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स में जो कि ऑलरेडी फंडिंग की कमी का शिकार होते हैं रिसोर्स स्कर्ट्स होते हैं वो एक तरह से सेविंग कर सकते हैं कि एक टेस्टेड प्रोडक्ट या सर्विस जब सामने आती है तो लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लम सोलूशन फोकस्ड होती है ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्सेप्ट होने में और मसाइल को हल करने में डिज़ाइन अप्रोच जो है वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है कि इंटरेक्शन का एक डिज़ाइन है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का रोल पहले से जो है उसको परसीव किया जाता है उसको शामिल किया जाता है और फिर उस प्रोटोटाइप के ऊपर जब स्टेक होल्डर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा मीनिंगफुल होता है वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकते हैं और कोलैबोरेटिवली परफॉर्म कर सकते हैं डिज़ाइन अप्रोच जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर वेंचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसके अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर तौर पर एफर्ट हो सकती है क्योंकि बाज़ात हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर जो हैं वो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में एक तरह से बैरियर या रुकावट बन जाते हैं मसलन ब्यूरोटिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो तो ऐसे में अगर डिज़ाइन मीनिंगफुली डिज़ाइन किया हुआ वो एक प्रोजेक्ट होगा एक वेंचर होगा तो उसके इम्प्लीमेंट होने में आसानी होगी और उसका सोशल इम्पेक्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा मख्तसर ये कि सोशल एंटरप्रीनियोरशिप में डिज़ाइन अप्रोच जो है वो इंसानों के इमोशंस उनका जो मीनिंग है प्रॉब्लम का और उसके सोल्यूशन का जितना मीनिंगफुली वो उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये बेसिकली इंट्यूटिव है थोड़ा सा रिस्की है लेकिन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होना जो है वो भी नुकसानदेह हो सकता है थैंक यू